प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सम्मेलन में करीब 2.5 से 3 घंटे देश और दुनिया के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 4 प्रमुख सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान देश के 6 प्रमुख उद्योगपतियों का भी संबोधन होगा, जो उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं के बारे में अपना विजन रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को FRI में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। CM धामी ने कहा कि सड़कों और सौंदर्यीकरण के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। ये राज्य के लिए बड़ी समिट है। इन्वेस्टर्स समिट में देहरादून आ रहे अडानी, अंबानी, बिरला समेत देश के शीर्ष 50 उद्योगपतियों के लिए अल्ट्रा लग्जरी कारों का इंतजाम किया गया है। उद्योगपतियों की श्रेष्ठता के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणियों के आधार पर ही इन्हें लग्जरी कारें मुहैया होंगी। डायमंड श्रेणी, Platinum 1, Platinum 2 श्रेणी में लग्जरी कारों का बेड़ा बड़ा होगा। 6 दिसंबर को भारत माँ के महान सपूत बाबा साहेब अम्बेडकर की याद में उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी जजों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बनी भव्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के उप महाधिवक्ता डॉ. मनोज गोरकेला ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर के बारे में देश और आने वाली पीढ़ी को सीखने की काफी जरूरत है। डॉ. मनोज गोरकेला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से देश के सभी हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का अनुरोध किया। साथ ही डॉक्टर गोरकेला ने कानून मंत्री और चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में भव्य प्रतिमा लगवाने के लिए आभार भी प्रकट किया। 2011 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हम लोगों ने मनाई थी, जिसमें सारा खर्चा जो आया था वो मैंने अपने जेब से दिया था। उसके बाद हम लोग जस्टिस बालकृष्ण सर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, हम लोग तब से बहुत कोशिश कर रहे थे। बीच में हम लोगों ने हमारे प्रयास से हम लोगों ने लाइब्रेरी 1 में बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बाबा साहब अम्बेडकर जी का लगाया। उसके बाद हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर जी की सुप्रीम कोर्ट में लगे। हम चाहते हैं कि भारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के हर रजिस्ट्रार जनरल को जो जो हाईकोर्ट में है उनको डायरेक्शन दे, और हम चाहते हैं कि छोटी सी जमीन 6x6 का एक भूमि हमें मिल जाए, और मैं अपनी जेब से हम लोग सारे देश से पैसा अपनी जेब से वो स्टैचू लगाना चाहते हैं। तो भारत के एक समय ऐसा भी आएगा कि हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भारत के हर हाई कोर्ट में डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का ऐसा ही स्टैचू लगेगा, तब जाके एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को, जिन्होंने एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए भारत का संविधान लिखा है। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा 3 धारा और बछेली खाल के बीच बताया जा रहा है। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। निवेशकों को लुभाने के लिए एक तरफ राज्य सरकार 8 और 9 दिसंबर को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है, वहीं आज 7 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में किसानों के हक में 1 घंटे का मौन उपवास रखने जा रहे हैं। हरीश रावत ने बताया कि वो देहरादून के गांधी पार्क में अपने कांग्रेस साथियों और किसान भाइयों के साथ 1 घंटे का मौन उपवास और उसके बाद उपवास रखेंगे। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीके खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।